राज्य में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला और प्रमोशन किया गया है। पुणे के पुलिस कमिश्नर रितेश कुमार को प्रमोशन दिया गया है और उनकी जगह नागपुर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अमितेश कुमार को पुणे का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने पर आज नागपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बोलते हुए अमितेश कुमार ने कहा कि पिछले 3.5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा गुजरा है। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों की भागीदारी से हम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल रहे और हमें जो जिम्मेदारी दी गई उससे पुलिस विभाग ने आम जनता का पूरा विश्वास हासिल किया। अलग अलग जिम्मेदारियां निभाने में कई चुनौतियां आती हैं, फिर भी सबके सहयोग से हमने अच्छा काम करने का प्रयास किया है। देखिए, पुलिस विभाग में चैलेंजेस तो हर दिन नए रहते हैं। हमारा जो ब्रेड एंड बटर जिसको मैं बोलता हूँ, वो क्राइम प्रिवेंशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, वीआईपी सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, लीडरशिप प्रोवाइड करना, मैन मैनेजमेंट, ये सभी हमारी जवाबदारी रहती है और ये करते हुए चैलेंजेस हर दिन नए रहते हैं और टीम वर्क में वो सभी चैलेंजेस, टीम वर्क और साथ साथ पब्लिक का सपोर्ट और पब्लिक का विश्वास, उसके साथ सभी चैलेंजेस ओवरकम करने में सफलता मिलती है। टेन्योर जरूर लंबा था बट बहुत ही सेटिस्फाइंग था और मैं हमेशा जनता की जो अपेक्षा है, जनता की जो तकरार है, उसको निराकरण करने का प्रयत्न हमने ईमानदारी और पारदर्शिता से सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ने किया। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और आम जनता को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, नागपुर में हमेशा से क्राइम बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार की टीका टिप्पणी नागपुर के बारे में होती रही है और हिस्टोरिकली होती रही है। कुछ लोगों का ये है कि बॉडी ऑफेंसेस बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ होता है। हमको ये ट्रेंड अरेस्ट करने में, मतलब ट्रेंड जो इंक्रीजिंग ट्रेंड था उसको या प्लेटो था उसको डिक्लाइन करने में पुलिस दल को यश मिला है। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट बोलते नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल जो एक क्राइम के फ्रंट पे फील गुड फैक्टर था वो शायद हमने स्थापित कर पाए और विशेष करके बॉडी ऑफेंसेस और मर्डर्स का प्रमाण जिस प्रकार से जो डिप हुआ था वो एक जरूर एक मेजर सफलता रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।